हेलो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए आज के लेसन की शुरुआत करेंगे लेसन को पूरा देखिएगा अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल्स और डाटा विथ इन कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑप्शन बी माइक्रो प्रोग्रामिंग ऑप्शन सी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द पाथ ऑफ सिग्नल्स और डाटा विथ इन कंप्यूटर इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन बी माइक्रो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नंबर टू सी आई एस सी स्टैंड फॉर दोस्तों परीक्षाओं में फुल फॉर्म काफी ज़्यादा पूछा जाता है कंप्यूटर से तो उसको ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सेट कंप्यूटर ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ऑप्शन सी कंपाउंड इंटरेस्ट सेट कंप्यूटर ऑप्शन डी कंपाउंड इंफॉर्मेशन सेट कंप्यूटर सी आई एस सी का फुल फॉर्म क्या होगा अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर थ्री द कंप्यूटर परफॉर्मेंस ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड इट्स डैश ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन बी आउटपुट यूनिट ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट ऑप्शन डी विजुअल डिस्प्ले यूनिट द कंप्यूटर परफॉर्मेंस ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इनसाइड इट्स क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्वेश्चन नंबर फोर दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले ये हमारी कंप्यूटर की सीरीज नंबर टू है अगर आपको सीरीज नंबर वन भी देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां पर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है वहां से आप सीरीज वन भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाई जनरेटिंग कंट्रोल एंड डैश ट्रांसफर सिग्नल्स कमांड सिग्नल्स टाइमिंग सिग्नल्स ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स by generating control and dash right answer option c timing signals आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव विच रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी ऑप्शन ए इंडेक्स रजिस्टर ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर ऑप्शन सी एड्रेस रजिस्टर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव दोस्तों सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको सभी प्रश्न की जानकारी होना चाहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा हम चाहते हैं कि आपको वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं जिसके लिए आपको क्या करना होगा हमारे आंसर बताने से पहले आपको एक बार आंसर कमेंट करके भी बताना होगा जिससे आपको याद अच्छे से हो जाए चलिए इसका सही आंसर देखते हैं ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर इसका सही आंसर हो जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस ऑप्शन ए कनेक्टर ऑप्शन बी राउटर ऑप्शन सी ब्रिज ऑप्शन डी गेटवे वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन इंटरमीडिएट टू एक्सटेंड द प्रोसेसर बस इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा ब्रिज क्वेश्चन नंबर सेवन इंटरप्ट दैट आर इनिशिएट बाय एन इंस्ट्रक्शन आर ऑप्शन ए इंटरनल ऑप्शन बी एक्सटर्नल ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी हार्डवेयर इंटरप्ट दैट आर इनिशिएट बाय एन इंस्ट्रक्शन आर क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर एट फुल फॉर्म है ये भी एम आई सी आर स्टैंड्स फॉर दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और जैसा कि हाल ही में एस एस सी सी एच एस एल का एग्जाम होने वाला है तो आप अच्छे से कंप्यूटर की तैयारी करिए वहां भी पूछा जाएगा एम आई सी आर का फुल फॉर्म देख लेते हैं ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कलर रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन एम आई सी आर स्टैंड फॉर राइट आंसर ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्वेश्चन नंबर नाइन दोस्तों अगर वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑन ओनली इनपुट डिवाइस माउस कीबोर्ड प्रिंटर ऑप्शन बी माउस कीबोर्ड प्लॉटर ऑप्शन सी माउस कीबोर्ड स्कैनर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यहां पे आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप है जो केवल इनपुट डिवाइस है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑन ओनली इनपुट डिवाइसेस इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से तो ये भी देख लीजिएगा आप एक बार तो इसका राइट right आंसर होने वाला है ऑप्शन सी माउस कीबोर्ड स्कैनर ठीक है ये सभी है इनपुट डिवाइस क्वेश्चन नंबर टेन अज्वायस्टिक इज प्रिमली यूज फॉर ड्रॉ पिक्चर कंप्यूटर गेमिंग प्रिंट टेक्स्ट नैन ऑफ द एबव अज्वायस्टिक इज प्रीमरली यूज फॉर ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर इलेवन वॉट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स इनपुट आउटपुट इनपुट और आउटपुट नन ऑफ द अबव वॉट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स स्पीकर और हेडफोन क्या होते हैं इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस क्योंकि स्पीकर से हमें कुछ मिलता है ठीक है हेडफोन से हमें कुछ सुनाई देता है वापस तो ये क्या हो जाएगा आउटपुट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ पैरलर पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज बाई प्रिंटर कीबोर्ड माउस स्कैनर अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय. राइट आंसर ऑप्शन ए प्रिंटर क्वेश्चन नंबर थर्टी. एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स कीबोर्ड एंड मॉडेम्स आर नोन एज ऑप्शन ए एड ऑन डिवाइसेस ऑप्शन बी स्पेशल बाइस ऑप्शन सी पेरिफेरल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स कीबोर्ड एंड मॉडर्म्स आर नोन एज राइट आंसर ऑप्शन सी पेरिफेरल. दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहां से ज्वाइन करिए और पी का लाभ उठाइए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और दोस्तों सीरीज वन देखने के लिए भी आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां पर उसकी भी लिंक मैंने दे दिया है ट्रैक बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रिंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइट आंसर ऑप्शन बी पॉइंटिंग डिवाइस ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आ थिन प्लेट और बोर्ड दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड सर्किट बोर्ड रोम रैम हार्ड डिस्क थ प्लेट और बोर्ड दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेट्स इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन ए सर्किट बोर्ड ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच इनपुट डिवाइस रिसेंबल्स एंड अपसाइड डाउन मा माउस ऑप्शन ए ट्रैक पैड ऑप्शन बी टच पैड ऑप्शन सी पॉइंटिंग स्टिक ऑप्शन डी ट्रैक बॉल विच इनपुट डिवाइस रिसेंबल्स एंड अपसाइड डाउन माउस राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रैक बॉल नेक्स्ट क्वेश्चन अ मार्कर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन यूज टू सो द करेंट पोजिशन इज कॉल्ड आप जब भी देखते होंगे डिस्प्ले पे तो एक कर्सर आता है ठीक है एक इस प्रकार का आता है जिससे आपको पता चलता है कि आप को कहाँ किस पोजीशन पे हैं आप तो उसको क्या कहते हैं पोजीशन चेकर कलर्ड मार्कर कर्सर नन ऑफ द एबव तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्सर बोलते हैं उसे ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकोगनाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाई पेन और पेंसिल ऑप्शन ए बार कोड रीडर ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव डैश इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकोगनाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाई पेन और पेंसिल राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर ठीक है ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइए एक बार फिर से देखते हैं फुल फॉर्म इस बार पूछा जा रहा है एलसीडी का फुल फॉर्म ठीक है एलसीडी स्टैंड फॉर ऑप्शन ए लो क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन बी लेस क्रिस्टल डिस्प्ले डिस्प्ले ऑप्शन सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन डी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले एल सी डी स्टैंड फॉर राइट आंसर ऑप्शन सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस Is used in banks to read mag magnetized character on a check. MICR, OCR, magnetic strip reader, barcode reader. Which of the following input device is used in banks to read magnetized character on a check? Right answer option A. एम आई सी आर जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया है ठीक है सो so फ्रेंड्स ये सभी थे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्वेंटी क्वेश्चनस जो कि हाल ही में होने वाले एस एस सी सी एच एस एल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है? हमें कमेंट करके बताइएगा सीरीज़ वन देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए जहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है वहाँ भी आपको काफ़ी बेहतरीन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत